हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा बिस्तर इधर उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो इसको ही संभाल कर रख देते हैं। और ये बाबूजी मेरे क्या करते हैं, ये टॉवल है, कंघा है, ये सब कुछ बिस्तर पर फेंक फाक कर चल देते हैं, क्यों बाबूजी तो अभी हैं नहीं, वो निकल चुके हैं बाहर खेलने के लिए, तो वो सारी चीज़ें फेंक कर गए हैं। तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ों को समेट कर गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए अभी भी मेरे कलर है, कलर गया नहीं, यारी करुणा मेरी पानी दे रही है, और मैं अभी नहा कर आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही थी, लाइट चली गई थी, पानी नहीं आ रहा था। हाय बाय तो कर ले करुणा दी, करुणा के सर पे अभी गुलाल पड़ा हुआ है जो लच्छे ने डाल रखा है। और ये आया है नाश्ता, तो आ जाइए आप लोग भी, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। गुजिया है, नमक पारा है, यार ये तो हमेशा इसी बिना कपड़ों में ही मिलेंगे, इनके पास तो कपड़ों की कमी है, कपड़े हैं ही नहीं, गाँव में आकर ये ऐसे ही हो जाते हैं, कपड़ों की कमी हो जाती है। तो चलिए नाश्ता पानी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप भी ये आ गए हैं मेरे लाड साहब, कहाँ जा रहे हैं ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पापा तकिया दो, तुम्हें तकिया दो, पापा रुक जाओ, अरे तकिया तो दो। और यहाँ पर मैं बना रही थी सूखे वाले बड़े, यानी कि करेल की सब्जी बना रही थी। तो सॉरी गाइज, वो क्या था कि मैं पूरा दिखा नहीं पाई, क्योंकि लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में मैं दिखा नहीं पाई, केवल ये सूखे बड़े ही बना रही थी। उड़द की दाल थे और चने की दाल, मिक्स दाल थी, तो सबसे पहले तो सूखे बड़े खाए गए और फिर उसके बाद सब्जी बनी है। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि ये बिल्ली को देखी, बिल्ली काफ़ी देर से मतलब इस बाल्टी के ऊपर, कभी नीचे मतलब बाल्टी के साथ खेल रही थी, फिर लास्ट में क्या हुआ कि ये मग्घे में मुँह डालकर पानी पीने लगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो इसकी भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को आपको मिलती है, और बिल्ली वगैरह मतलब कि मैं कमरे में घुसने ही नहीं देती हूँ। और यहाँ पर जो ये मेरे जीजा हैं, वो लकड़ी को एक साइड से दूसरी साइड रख रहे हैं, और ये मैं ये दिखा रही थी, इसमें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये इनका कुत्ता है, जिनको मतलब इस कुत्ते को इन्होंने पाल रखा है, और इसका नाम कल्लू है। जहाँ पर ये जीजा जाते हैं वहाँ पर ये जाता है, वही मैं देख रही थी, ये आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। तो यदि मछली मारने भी जाते हैं, मछली लेने, तो मतलब कि उनके पीछे पीछे जाता है। और इस जगह में आप लोगों को दिखा रही थी, एक बंदर आया हुआ था, बहुत मोटा था, लेकिन हुआ क्या कि मेरी चप्पल खो गई, और बिना चप्पल के तो मैं चल भी नहीं सकती, तो मैं जब तक उठती उठती और जब तक चप्पल पहनती पहनती तब तक वो बंदर भाग गया था। तो बंदर आप लोगों को अच्छे से दिखाने, और देखिए ये हमारे यहाँ ये जो क्यारी लगी हुई है, तो उसमें वो फूल थे, तो वो सारे फूलों को दिखा रहे थे। और ये सदाबहार के फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये गेंदा के पेड़ जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे हजारी गेंदा होता है ना, बड़े वाले फूल निकलते हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें बड़े वाले फूल नहीं निकलते, इसमें छोटे छोटे फूल निकलते हैं। और फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद, हाँ, गंगा जी जाने की प्लानिंग हो रही थी, यहाँ पर आए और गंगा जी घूमने ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मेरे पतिदेव कानपुर चले गए और मैं रुक गई, क्योंकि बाबू का जाने का मन नहीं था, वो बोल रहे थे मम्मा अभी तो थोड़ा सा मतलब छुट्टियाँ वगैरह चल रही है 2-4 दिन की, तो रुक लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ आना होगा, क्योंकि अब तो हाई स्कूल में जाना है बाबू जी को, अभी तो उन्होंने 9th का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और पतिदेव मेरे कानपुर निकल गए हैं। सॉरी गाइज, मैं वो वीडियो को बनाना भूल गई थी, कभी कभी क्या होता है मैं वीडियो बनाना भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर गंगा जी के लिए मैं मतलब गंगा जी जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, करुणा बोली कि चलो मम्मी चला जाए, लेकिन वो भी थोड़ा सा काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम भी फ्रेश होकर आओ और मैं भी तैयार होती हूँ। तो फटाफट फटाफट मैं रेडी होने लगी,
तो फिलहाल गंगा जी तो मैं जा ना पाई क्योंकि काफी लेट हो गया था, क्योंकि 5 बजे तो पतिदेव ही निकले थे और फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा काम धाम के चक्कर में करुणा लेट हो गई। जब करुणा लेट हो गई तो फिर तो मेरा जाना कहाँ, अंधेरे में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि अंधेरे में जाऊँ। और फिर अगर अंधेरे में जाऊँ और वीडियो ना बना पाऊँ, आप लोगों को अपने यहाँ की गंगा जी ना दिखा पाऊँ तो फिर बेकार है। तो मैंने कहा चलो फिर अभी तो 1-2 दिन रुकी हूँ मैं, फिर किसी दिन चलकर आप लोगों को अपनी गंगा मैया से जरूर मिलवाऊंगी। तो हाँ, और अगर हाँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझ पर बना कर रखिएगा। और ज़्यादा अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर ना भी अच्छी लगे तो भी शेयर कर दीजिएगा गाइज। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ मेकअप थोड़ा सा। कर तो मेकअप वगैरह हो जाता है, लेकिन मुझसे क्या है ना कि अगर बैठकर मैं सोचूं कि चोटी या जूड़ा या कुछ भी मतलब बना लूं तो मुझसे बैठकर बाल नहीं खींचते हैं, यानी कि चोटी जूड़ा पता नहीं क्यों नहीं बनता है। और यहाँ पर करुणा मेरी देखिए झाड़ू लगा रही है फटाफट फटाफट, और मतलब कि और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं रील वगैरह डालती रहती हूँ, तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर गांव में आकर मुझे बहुत आराम हो जाता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, मतलब कि जितना घर पर करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ता है। वो तो थोड़ा बहुत कुछ कर दो तो कर दो, नहीं तो ज्यादा काम मुझे नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा मेकअप वेकअप हो गया है, और ये मैं यहाँ पर ट्राईपॉड और अपना बैग वगैरह लाकर अंदर रख रही हूँ। तो ये है हमारी छोटी सी वीडियो, और आगे आप लोगों से अभी मिलेंगी फिर से करुणा रानी मेरी, क्योंकि वो कर रही है अपना फेस वॉश। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।